हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है किलिंग प्रोसेसेस, जिसमें आज हम किल एंड किलोल कमांड की हेल्प से प्रोसेस को किल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं किल कमांड को। इस कमांड की हेल्प से हम प्रोसेस को सिग्नल भेजते हैं, जिसकी हेल्प से हम प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोसेस को टर्मिनेट करना, कंटिन्यू करना, सस्पेंड करना, ये सब आज हम सीखने वाले हैं किल कमांड की हेल्प से। टोटल 64 सिग्नल होते हैं लिनक्स में। किल हाइफन एल कमांड की हेल्प से हम सारे सिग्नल को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे सिग्नल दिख रहे होंगे, बट हम सारे कवर नहीं करने वाले, हम बस इम्पोर्टेंट सिग्नल ही कवर करेंगे। सबसे पहले है सिग्नल नंबर 2, शॉर्ट नेम INT, डेफिनेशन कीबोर्ड इंटरप्ट। इसकी हेल्प से प्रोसेस को इंटरप्ट और टर्मिनेट कर सकते हैं। ये कंट्रोल प्लस सी जैसा काम करता है। सिग्नल नंबर 9, शॉर्ट नेम किल, डेफिनेशन किल। ये प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है तुरंत ही। इसकी हेल्प से हम कोई भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। सिग्नल नंबर 15, शॉर्ट नेम टर्म, डेफिनेशन टर्मिनेशन। ये डिफॉल्ट सिग्नल है, ये प्रोसेस को रिक्वेस्ट करता है टर्मिनेट होने के लिए। सिग्नल नंबर 18, शॉर्ट नेम CONT, डेफिनेशन कंटिन्यू। ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर देता है अगर कोई प्रोसेस स्टॉप है तो। ये FG और BG कमांड जैसा काम करता है। सिग्नल नंबर 19, शॉर्ट नेम स्टॉप, डेफिनेशन स्टॉप। इसकी हेल्प से प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं। ये कंट्रोल प्लस जेड जैसा काम करता है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लो एक बार, क्योंकि उसमें मैंने जो पढ़ाया था वो आज हम यूज़ करने वाले हैं। किल कमांड को यूज़ करना बहुत सिंपल है। किल हाइफन सिग्नल नंबर प्रोसेस ID। अगर आप कोई सिग्नल नंबर मेंशन नहीं करोगे तब सिग्नल नंबर 15 यूज़ होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम समझते हैं किल ऑल कमांड को। इस कमांड की हेल्प से हम कई सारे प्रोसेस को सिग्नल भेज सकते हैं एक साथ बाय यूजिंग देयर नेम। एग्जाम्पल, किल ऑल स्लीप। इससे सारे स्लीप से रिलेटेड प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएंगे। थ्योरी पार्ट में इतना ही, प्रैक्टिकल पार्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं कुछ प्रोग्राम को बैकग्राउंड में रन कर देता हूँ ताकि प्रैक्टिकल में आसानी हो। स्लीप ट्रिपल टाइम 9 1 एम्परसेंट। एम्परसेंट की हेल्प से हम किसी भी कमांड को बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। एंटर, ये बैकग्राउंड में चला गया। 2 3 4 5 6 हम जॉब्स कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि कितने कमांड बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैंने सिक्स कमांड को रन किए थे तो यहाँ पर जो था टोटल 6 जॉब दिख रहे हैं हमें। इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया था अच्छे से, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। किल कमांड के साथ प्रोसेस आईडी का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैंने जितने भी स्लीप कमांड रन किए हैं मैं उनका प्रोसेस आईडी पता करूँगा। PS कमांड की हेल्प से हम प्रोसेस आईडी का पता कर सकते हैं। मैं PS कमांड के साथ U ऑप्शन का यूज़ करूंगा। एंटर, यहाँ पर जो था आपको कमांड दिख रहे होंगे स्लीप 9 1 जो हमने रन किया था, और ये रहा प्रोसेस आईडी 9 2 प्रोसेस आईडी। तो जो कोलन 2 है वह प्रोसेस आईडी और जो लास्ट में है वो है कमांड। इस वाले कमांड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। मैंने सारे प्रोसेस आईडी को साइड में लिख लिया है ताकि प्रैक्टिकल के टाइम पे हमें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं जॉब्स कमांड रन करूँगा। यहाँ पे आपको जो था जॉब आईडी या जॉब नंबर दिख रहा होगा, उसके बाद उसका स्टेटस, देन कमांड। अब हम सिग्नल नंबर 2 पे प्रैक्टिकल करेंगे। इस सिग्नल की हेल्प से हम प्रोसेस को इंटरप्ट और टर्मिनेट कर सकते हैं, और ये कंट्रोल प्लस सी जैसा वर्क करता है। मैं जो होता हूँ जॉब नंबर 1 को टर्मिनेट करूँगा। इसका कमांड है स्लीप 9 1, जिसका प्रोसेस आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। किल हाइफन 2 देन प्रोसेस आईडी। एंटर, जॉब्स कमांड। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है इंटरप्ट। अगर अब मैं जॉब्स कमांड रन करूँगा यहाँ से जो था ये टर्मिनेट हो गया है। इसकी हेल्प से हम प्रोसेस को इंटरप्ट और टर्मिनेट दोनों करते हैं। अब हम सिग्नल नंबर 15 पे प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप कोई सिग्नल नंबर नहीं मेंशन करते तब बाय डिफ़ॉल्ट यही सिग्नल नंबर यूज़ होता है। इस सिग्नल की हेल्प से हम प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं अच्छे वे में। अब मैं आपको जॉब नंबर 2 को टर्मिनेट करके दिखाता हूँ।
इसका कमांड है स्लिप 3992। इसका प्रोसेस आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। मैंने बताया था अगर हम कोई सिग्नल नंबर मेंशन नहीं करते हैं तब बाय डिफॉल्ट यही सिग्नल नंबर यूज़ होता है, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर, जॉब्स। यहाँ पर आप देख सकते हो टर्मिनेटेड जॉब्स, यहाँ से जो था ये टर्मिनेट हो गया है जॉब नंबर टू, यहाँ पर जो था अब जॉब नंबर टू नहीं है। अगर आप सिग्नल नंबर 15 मेंशन करते हो तब भी ये सेम तरीके से ही वर्क करेगा, किल हाइफन 15। जॉब नंबर थ्री को हम टर्मिनेट करते हैं, इसके लिए प्रोसेस आईडी है 95014 है, इसको मैंने सब कॉपी कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर, जॉब्स। यहाँ पे दिखाया टर्मिनेटेड जॉब्स, यहाँ से जो था ये भी टर्मिनेट हो गया है। अब हम सिग्नल नंबर 19 पे प्रैक्टिकल करेंगे, इसकी हेल्प से हम प्रोसेस को सस्पेंड या स्टॉप कर सकते हैं। मैं जॉब नंबर 4 और जॉब नंबर 5 को सस्पेंड करने वाला हूँ, किल हाइफन 19। जॉब नंबर 4 के लिए प्रोसेस आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, जॉब्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉप हो गया है। अब जॉब नंबर 5 के लिए प्रोसेस आईडी यहाँ से मैंने कॉपी कर ली, किल हाइफन 19, पेस्ट, जॉब्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉप हो गए दोनों के दोनों। अब हम सिग्नल नंबर 18 पे प्रैक्टिकल करेंगे, इसकी हेल्प से स्टॉप प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम जॉब नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे, किल हाइफन 18। जॉब नंबर 4 का प्रोसेस आईडी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर, जॉब्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू हो गए, यहाँ पे रनिंग शो हो रहा है हमें। अब हम सिग्नल नंबर 9 पे प्रैक्टिकल करेंगे, इसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। अगर मैं जॉब नंबर 5 जो स्टॉप है, अगर मैं इसको टर्मिनेट करना चाहता हूँ सिग्नल नंबर 2 या सिग्नल नंबर 15 से, तब मैं इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल किल हाइफन 2, इसका जॉब नंबर है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, जॉब्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी भी स्टॉप में ही है। अगर मैं सिग्नल नंबर 15 का यूज़ करता हूँ जॉब्स, यहाँ पर ये जो था ये अभी भी स्टॉप कंडीशन में ही है। अगर इसको टर्मिनेट करना है, इसको किल करना है, तब हमें सिग्नल नंबर 9 का यूज़ करना पड़ेगा, एंटर, जॉब्स। यहाँ पे आप देख सकते हो किल हो गया जॉब नंबर 5। अब हम किल ऑल कमांड पे प्रैक्टिकल करेंगे, इसकी हेल्प से हम कई सारे प्रोसेस को सिग्नल भेज सकते हैं एक बार में बाय यूजिंग देयर नेम। अगर इन दोनों स्लीप प्रोसेस को सस्पेंड या स्टॉप करना है, देन किल ऑल हाइफन 19 स्लीप, जॉब्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्टॉप हो गए हैं। अगर इन दोनों कंटिन्यू करना है, देन किल ऑल हाइफन 18 स्लीप, जॉब्स। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों रन कर रहे हैं। अगर इन दोनों को इंटरप्ट करना है, किल ऑल हाइफन 2 स्लीप। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।